नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों को। आजादी के बाद भारत ने जिस चीज को सबसे पहले खोया वो था जंगल का उसेन बोल्ट चीता। 1948 में देश में आखिरी चीता दिखा था, उसके बाद ये विलुप्त करार दे दिया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 74 साल बाद चीता फिर से भारत की भूमि पर कदम रखा है, जो कि नामीबिया से हवाई मार्ग से लाया गया है। यह इस ऐतिहासिक मौसम की खास बात ये रही कि आज ही के दिन पीएम मोदी अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा प्याज की खेती करने के लिए 98,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर 50% तक की सब्सिडी यानी 49,000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसान इस सब्सिडी स्कीम का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिले में उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अगले महीने 6 अक्टूबर को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाना है। यह मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इस मैच को लेकर टिकट की बिक्री की प्रक्रिया बीते दिन शाम 6 बजे से शुरू हुई है। जिससे लोग पेटीएम के जरिए भी निकाल सकेंगे। टिकट का मूल्य 1,000 से लेकर करीब 24,000 तक रखी गई है। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी और जदयू आमने सामने है। एसपी और एडीसी मुख्यालय के प्रेस वार्ता के बाद सुशील मोदी ने जांच पर सवाल उठाए। वहीं जदयू नेता ललन सिंह ने बीजेपी को थोड़ा धैर्य रखने की नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपके वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है कि सही अपराधियों के पकड़े जाने से आप लोगों को डर सता रहा है कि कहीं पूरी साजिश बेनकाब ना हो जाए, इसलिए अपने तोता सीबीआई से जाँच की मांग कर रहे हैं, चिंता मत करें। नीति आयोग ने यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट के 28 पदों पर भर्ती निकाली है। यंग प्रोफेशनल के 22 पदों और कंसल्टेंट के 6 पदों समेत कुल 28 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि शुरू में 2 वर्ष होगी, जिससे बाद एक एक वर्ष के लिए अगले 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट NITI.gov.in पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी तैयारियां की है। देशभर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी को बधाई देने का सिलसिला भी अब शुरू है। पक्ष और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 72वें जन्मदिन पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पीएम को बर्थडे विश किया है। गुजरात के एक बैंक से हैरान कर देने वाला खबर सामने आया है। दरअसल यहां के एक व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में अचानक 11,677 करोड़ रुपए आ गए हैं। उस व्यक्ति के लिए यह एक लॉटरी लगने से कम नहीं थी। इसके बाद उस व्यक्ति ने इस रकम में से 2 करोड़ रुपए शेयर बाजार में निवेश कर दिए और लाखों रुपए कमा लिया। अहमदाबाद के रहने वाले रमेश सागर ने कोटक सिक्योरिटीज के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोला था। 2 करोड़ की राशि निवेश करने के बाद उसने उस पर 5 लाख रुपए मुनाफा भी कमा लिया। BRA बिहार विश्वविद्यालय में अब लॉ में दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। अगले सत्र 2023 से लॉ के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में वकील बनना अब आसान नहीं होगा। पहले कॉलेज स्तर पर परीक्षा होती थी, जिसमें कंपटीशन कम था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में यह कड़ा हो जाएगा। इसमें पास करने वालों का ही एडमिशन हो पाएगा और उन्हें कम नंबर आने पर मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा। मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति और राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों सहित तकरीबन 1200 से ज्यादा उपहारों की नीलामी आज शुरू हुई। यह नीलामी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को सुबह से शुरू हुई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर में व्यवसाय के प्रतिष्ठान पर ताला मारकर 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार आरोपित अभिषेक पटेल जदयू का कार्यकर्ता और स्मैक का कारोबारी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुंगेर और समस्तीपुर में व्यवसाय की हत्या के आरोपी राजद से जुड़े हैं। इन आपराधिक मामलों में उच्च स्तरीय जांच कर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में विपक्ष निकम्मा नहीं है और वह सरकार के संरक्षण में हो रहे अपराधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन को पहली कंटेस्टेंट मिल गई है जो एक करोड़ का सही जवाब देकर करोड़पति बन जाएंगे। दरअसल शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि एक हाउसवाइफ अपने जबरदस्त ज्ञान से 1 करोड़ की धनराशि जीत जाएंगे और फिर बिग बी उनके सामने 7 करोड़ 5 लाख का सवाल रखेंगे। प्रोमो शेयर करते हुए लिखा गया है कि हाउसवाइफ कविता चावला जी ने 1 करोड़ जीत करके बीसी सीजन 14 में एक नया इतिहास रच दिया है। देखिए केबीसी इस बार सोमवार और मंगलवार को। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन को 2 दिवसीय दौरा करेंगे। आज से 19 सितंबर तक द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करेंगी। बता दें कि महारानी का 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में अंतिम संस्कार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। शनिवार को हैदराबाद में उनके काफिले के आगे टीआरएस नेता ने अपनी कार लगा दी। हालांकि गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने इसे तुरंत हटवा दिया। टीआरएस नेता की पहचान गोसुला श्रीनिवास के रूप में हुई है। घटना के बाद श्रीनिवास ने कहा कि कार काफिले के आगे अचानक रुक गई थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उसमें तोड़फोड़ की। मैं पुलिस अधिकारी से मिलूंगा और कार्रवाई करने की मांग करूंगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुन ली गई है, लेकिन इस टीम में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। शमी को 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाने का प्लान है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए उन्हें टीम में चुना गया है। कानपुर के चकेड़ी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। इंदौर जाने वाले इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल हो गया। इससे विमान इंदौर के लिए उड़ान नहीं भर पाए। इस विमान में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भाग ले रहे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के खिलाड़ी भी यात्रा करने जा रहे थे। घटना के बाद खिलाड़ी उतर गए और लॉबी में आ गए। करीब 8 घंटे तक खिलाड़ी फंसे रहे। बाद में उन्हें लखनऊ भेजा गया। केरल के कोची में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने देश में पहली बार एक पेशेंट का फुल आर्म ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की है। जिस पेशेंट का आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है वह इराकी नागरिक यूसुफ हसन सईद अल जुबैनी है। उन्होंने बिजली का झटका लेने की वजह से अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। भारतीय अरबपति गौतम अडानी करीब 12.34 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पछाड़कर गौतम अडानी ने ये मुकाम हासिल किया है। 17 दिन पहले ही अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बने थे। दुनिया इतना तेजी से एडवांस होती जा रही है कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। एक जापानी स्टार्टअप कंपनी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। 15 सितंबर को अमेरिका में आयोजित हुए डिट्रॉयट ऑटो शो में कंपनी ने देश की सबसे पहली फ्लाइट बाइक का अनावरण किया। हवा में उड़ने वाली इस लग्जरी बाइक के अंदर इतनी खूबियाँ हैं कि शो के दौरान हर कोई दीवाना हो गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत कुल 333 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगे। इनमें एग्जीक्यूटिव के 8 और नॉन एग्जीक्यूटिव के 325 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अब ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इच्छुक भी वे आधिकारिक वेबसाइट salecareers.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया था। अब दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के करीबी और बिजनेस पार्टनर हामिद को गिरफ्तार कर लिया है। अमानतुल्लाह के करीबी हामिद को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ACB की रेड के दौरान हामिद के घर से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र FDA ने मुंबई के मुलुंड में स्थित जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के जॉनसन बेबी पाउडर का विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल पुणे और नासिक में पाउडर के सैंपल लिए गए थे जो कि मानकों पर खड़े नहीं उतरे। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। हाल ही अभी सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत वायरल हो रही है। खबर में जानकारी दी गई है कि जो भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालेगा उसके अकाउंट से 350 रुपये कटेंगे। यह दावा PIV द्वारा फर्जी बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। अगर आप भी कार चलाते हैं तो सतर्क हो जाइए। आपकी जड़ा सी भी गलती के चलते आपका चालान कट सकता है। सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद से पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी हो गया है। यह नियम तो पुराना है लेकिन ट्रैफिक पुलिस अब इस पर सख्ती दिखाने लगी है। इसी क्रम में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने को लेकर अभियान चलाया हुआ है। गलती करने वाले यात्रियों का चालान भी काटा जा रहा है। जुर्माने की रकम 1000 रुपये रखी गई है।
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी एप्पल ने बीते दिनों अपनी आईफोन 14 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर दिया गया है। सामने आया है कि एप्पल की तरह ही सैमसंग भी अपने डिवाइसेज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का विकल्प दे सकती है। एप्पल ने कहा है कि इस फीचर का फायदा यूजर्स को आपात स्थिति में मिलेगा और सेलुलर सिग्नल कवरेज न होने पर यूजर्स सैटेलाइट की मदद से सिग्नल्स भेज पाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हाई कमांडेंट परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट upsc.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। जिन उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण या शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सा मानक परीक्षण के लिए योग्य पाया गया है, उनके रोल नंबर भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 15 दिवसीय अभियान शुरू होगा। स्वच्छ अमृत महोत्सव नागरिकों को कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर नाम लिए बिना बीजेपी पर निशाना साधा है। खान की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। फिर मनीष के घर पर रेड डाली, कुछ नहीं मिला, अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया है। लगता है इन्हें गुजरात में तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। अभिनेता और क्रिटिक KRK सोशल मीडिया पर अब धीरे धीरे दोबारा एक्टिव होने लगे हैं। जेल से बाहर जाने के बाद उन्होंने हाल ही में ब्रह्मास्त्र के रिव्यू पर अपना ट्वीट किया था। वहीं अब उन्होंने सैफ अली खान के ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा पर रिएक्ट किया है। KRK ने कहा है कि विक्रम वेधा का रिव्यू करेंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड पर भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में आज चीतों को लाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया का शुक्रिया अदा किया है। देश में चीतों को वापस लाने के निरंतर प्रयासों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए वर्षों तक काम किया कि चीते 70 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद भारत में वापस आ जाएं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये चीते हमारे मेहमान हैं, उन्हें कुनो को अपना घर बनाने दें। अमिताभ बच्चन इन दिनों छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति 14 को होस्ट कर रहे हैं। शो में अक्सर अमिताभ अलग अलग किस्से बनाते रहते हैं। ऐसे में शो के लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने इस बात से पर्दा हटाया कि उनके बंगले का नाम प्रतीक्षा क्यों है और वो किसने रखा। कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपने घर का नाम प्रतीक्षा क्यों रखा, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने ये नाम नहीं चुना था, बल्कि मेरे पिता ने इसे चुना था। मैंने अपने पिता से सवाल किया था कि आपने प्रतीक्षा नाम क्यों रखा, तब उन्होंने बताया था कि उनकी एक कविता है जिसकी एक लाइन कहती है, स्वागत सबके लिए है पर नहीं है किसी के लिए प्रतीक्षा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नूनू कुमार, एक्टिव पवन, रंजीत कुमार ठाकुर, मोहम्मद नौशाद रजा, जुगेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, के सिन्हा, सूरज और रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि चीते के संरक्षण हेतु भारत सरकार के इस ठोस कदम से क्या भारत में चीते की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।